कुशासन वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती आज से चालू, कहा सिंधिया ने। भीलवाड़ा के सहाड़ा उपचुनाव में स्टार प्रचारक राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ आए, जिन्होंने गंगा साहिब छतरी के दर्शन कर गंगा बाईसा मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद उनका भव्य रोड शो प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए सभा स्थल पर पहुंचा। रास्ते में अनेक स्थानों पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मार्केट में भव्य सजावट की गई थी। इस रोड शो के दौरान चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली भी साथ में थे। राज्यसभा सांसद भाजपा के कद्दावर नेता ग्वालियर राजघराने के ज्योतिराज सिंधिया ने विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर रतनलाल जाट भाजपा के प्रत्याशी के साथ साथ जनता के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हैं और सिंधिया परिवार का गंगापुर के साथ खून का रिश्ता है। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार बैठी है वह न्याय में नहीं, शासन में नहीं, कुशासन में विश्वास रखती है। सिंधिया ने यह भी कहा कि सबसे पहला भगवान अन्नदाता है और दूसरा भगवान मतदाता है। इस अवसर पर सिंधिया ने नारा भी लगाया, आम आदमी त्रस्त है, कानून व्यवस्था पस्त है और कांग्रेसी मस्त है। पांडाल में मौजूद हजारों की संख्या में महिलाएं, प्रबुद्ध जन, आम जन एकाग्रचित होकर भाषण सुन रहे थे। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और तो और राजस्थान की पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। सभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, सांसद सुभाष बेड़े ने भी अपने विचार रखे। आम सभा का संचालन भाजपा प्रदेश मंत्री एवं चुनाव प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी ने किया। इस कार्यक्रम में मंच पर जिला प्रमुख बरजी भाई बील, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पचारिया, जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की चुनावी रिपोर्ट।